नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 4 मई मंगलवार दोपहर 2 बजे राजस्थान की खास खबरें। बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें फाइटर न्यूज को और प्रेस करें बेल आइकन को। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि यदि लोग नहीं माने तो वह राज्य में कंप्लीट लॉकडाउन भी लगा सकते हैं। सीएम ने कहा कि वह राज्य में पूर्ण लॉकडाउन लगाने के पक्ष में नहीं है, लेकिन लोगों ने यदि ढिलाई बंद नहीं की तो फिर उन्हें मजबूरन कंप्लीट लॉकडाउन लगाने पर विचार करना होगा। उन्होंने कहा कि मैं अब तक राज्य में पूरी तरह से बंदी के खिलाफ रहा हूं, क्योंकि इससे गरीब तबके के लोग बुरी तरह से प्रभावित होंगे, जिससे इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगी और प्रवासी मजदूरों को पलायन करना पड़ेगा। लेकिन संकट नहीं थमा तो फिर कंप्लीट लॉकडाउन के फैसले पर भी विचार करना पड़ सकता है। जोधपुर जिले में एक निजी कॉलेज में अकाउंटेंट की नौकरी करने वाले राजेंद्र भंसाली 1 महीने बाद ही रिटायर होने वाले हैं। पहले मां बीमार हुई, काफी कोशिशों के बावजूद वह ठीक नहीं हो पाई और उनकी मृत्यु हो गई। उस सदमे से उबरे ही नहीं थे कि उन पर एक बार फिर बीमारी का कहर टूट पड़ा। इस बार बीमारी से पत्नी, भाई व भांजे को उन्होंने खो दिया। यह सब मौतें महज 10 दिन के अंतराल में हो गई। पूरी तरह से टूट चुके भंसाली का कहना है कि यह महामारी बड़ी घातक बीमारी है, मैं महामारी की पीड़ा को भुगत रहा हूँ, प्रोटोकॉल का पालन कीजिए और खुद और अपनों को बचाएं। हरियाणा के रोहतक में लॉकडाउन के बीच जब हर नाके पर पुलिस तैनात है, इस बीच लॉकडाउन के पहले ही दिन लूट के प्रयास जैसी वारदात को अंजाम दिया गया है। मकड़ोली खुर्द स्थित एक्सिस बैंक शाखा में 5 नकाबपोश हथियारबंद बदमाशों ने लूटपाट का प्रयास किया। गेट पर तैनात सुरक्षाकर्मी ने विरोध किया तो बदमाशों ने उसके सिर में गोली मार दी। गोली चलते ही हड़कंप मच गया और अफरा तफरी के बीच बाइक सवार बदमाश मौके से फरार हो गए। सुरक्षाकर्मी को गंभीर हालत में PGIMS में भर्ती करवाया गया। थाना सदर पुलिस ने घायल सुरक्षाकर्मी वीरेंद्र के बयान पर 5 बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। भरतपुर जिले के बयाना में प्रशासन ने शिकायत पर प्रतिबंध के बावजूद चोरी छिपे बाहर से शटर बंद कर अंदर सामान बेचते पाए जाने पर कपड़े व रेडीमेड गारमेंट की 2 दुकानों को सील करने व जुर्माना लगाने की कार्रवाई की। दोनों दुकानों पर 19 ग्राहक कपड़े खरीदते मिले। इस पर प्रशासन ने दोनों दुकानों को सील कर दुकानदारों पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया। नए ग्राहकों के भी सोशल डिस्टेंस के चालान काटे। इसके अलावा डीग में लक्ष्मण मंदिर स्थित सोनी मिष्ठान भंडार एवं मुख्य बाजार में प्रमोद इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान के बाहर से शटर लगाकर ग्राहकों को सामान बेचा जा रहा था। दोनों दुकानों की फोटोग्राफी किए जाने के साथ दोनों दुकानों को आगामी आदेशों तक सीज कर दिया गया। मोहाली विजिलेंस ब्यूरो की टीम ने देर रात इंडस्ट्रियल एरिया फेज 7 में 3 रिश्वतखोरों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपियों में महिला माइनिंग अफसर भी शामिल है। आनंदपुर साहिब के एक क्रशर मालिक से 25,000 की रिश्वत ली जा रही थी। आरोपियों के खिलाफ विजिलेंस थाना मोहाली में मामला दर्ज किया गया है। विजिलेंस ब्यूरो मोहाली के DSP अजय कुमार ने बताया कि आरोपियों की पहचान माइनिंग अफसर सिमरप्रीत कौर ढिल्लो, माइनिंग गार्ड पाला सिंह और क्लर्क अमनप्रीत सिंह के रूप में हुई है। कोरोना महामारी के चपेट में आने से एक तरफ लोगों की जाने जा रही हैं, दूसरी ओर नागौर जिले में होलसेल से लेकर दुकानदार खुलकर कालाबाजारी करने में जुटे हैं। कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी द्वारा गठित टीम संयुक्त जांच दल द्वारा जिले में अलग अलग जगहों पर छापामार कार्रवाई की गई। इस दौरान मुंडवा तहसील के कड़लू गांव से प्राप्त शिकायत के आधार पर चौहान किराना स्टोर कड़लू पर एक बोगस ग्राहक भेज विमल पान मसाला मांगा। MRP 10 थी, दुकानदार द्वारा 15 लिए गए। इस पर दुकानदार के खिलाफ 5,000 का जुर्माना लगाया गया। इसी तरह एक KGN किराना स्टोर कड़लू पर एक मक्की कबाब पर MRP नहीं होने के कारण 2,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया। कोटा उत्तर नगर निगम ने कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना करने पर निगम टीम द्वारा 7 दुकानों को सीज किया तथा 53 लोगों से 13,800 रुपये का जुर्माना किया गया। आयुक्त वासुदेव मालावत के आदेश पर निगम के पुलिस उपाधीक्षक जसवीर मीना व राजस्व अधिकारी नरेश राठौर ने नेतृत्व में निगम टीम ने लैंडमार्क सिटी में निरीक्षण किया। यहां 7 दुकानों को सीज किया गया, जिसमें एक मेडिकल शॉप, मार्ट, एक सैलून शॉप आदि को सीज किया गया। इस दौरान कुन्हाड़ी में 33 व्यक्तियों के चालान काटकर उनसे 13,800 रुपये जुर्माना वसूला गया। सीकर जिले के थोई के पास उदयपुर वाटी थानाधिकारी भगवान सहाय मीना की निजी गाड़ी ने एक बाइक सवार युवक को कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इससे 20 मिनट तक सिंघाना जयपुर रोड बंद रही। 40 वर्षीय कैलाश सहाय निवासी सड़क वाली ढाणी अस्पताल में वैक्सीन लगवाने की जानकारी कर घर पर पत्नी को लाने के लिए गया था।
घर से मात्र 50 मीटर पहले ही पीछे से आ रही कार ने कैलाश को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। चालक फरार हो गया। कैलाश के माता पिता के अलावा पत्नी, एक पुत्री व दो पुत्र हैं। हादसा घर वालों की आंखें के सामने हुआ और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। थाना प्रभारी संगीता मीना ने कहा कि मामले की जाँच की जा रही है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।